नमस्कार, सलाम। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले खास खबरें। चुनाव 2019 में हार के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का संकट बढ़ा। यूपी में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर टूटा। बाराबंकी में कई लोगों की मौत, योगी सरकार पर उठे सवाल। सूरत अग्निकांड में प्रारंभिक जांच में सामने आई नगर निगम और बिल्डर की गलती। दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने के वर्कर्स हड़ताल के बाद लगातार मैनेजमेंट के निशाने पर। और यूरोपियन संसदीय चुनाव डालेंगे एक खास नजर। सबसे पहले बात विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के संकट की। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी दलों में इस्तीफे और मंथन का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के से इस्तीफे पर अड़ने की खबरों के बीच कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब के कांग्रेस अध्यक्षों समेत 7 प्रदेश अध्यक्ष और 6 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर नेताओं की बैठक ली। इस दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि अखिलेश पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल में भी हार के वजहों की तलाश की जा रही है। मंगलवार से 2 दिन के लिए मंथन शुरू हो गया है। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने पार्टी प्रमुख तेजस्वी प्रसाद यादव से इस्तीफा मांग लिया है। लोकसभा चुनाव में हार पर आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह लोगों को समझा नहीं पाए कि आपको क्यों वोट दें। सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की 2 दिवसीय बैठक में भी चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के बाद पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि विपक्ष भाजपा के दावों से जनता के बीच उपजी धारणाओं को तोड़ने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि वामदलों की हार के कारणों की समीक्षा के लिए आगामी 7 से 9 जून तक पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। उधर विजयी भारतीय जनता पार्टी में शपथ की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी भोपाल से विजयी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ किसी कार्रवाई के संकेत नहीं मिले हैं। जबकि महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर पार्टी ने मामला अनुशासन समिति के पास भेजा था और 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। 27 मई को 10 दिन पूरे हो गए हैं। अब देखना है कि उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर टूटा है। प्रदेश के बाराबंकी जिले में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज में हुआ। मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। इस घटना से एक बार फिर योगी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। योगी सरकार के 2 साल के शासन में जहरीली शराब से मौत की यह 7वीं बड़ी घटना है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि लापरवाही करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई होगी। इस मामले में राजनीतिक साजिश भी ढूंढी जा रही है। जांच समिति से अगले 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में फिलहाल जिला आबकारी अधिकारी, हल्का आबकारी इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के सूरत अग्निकांड की प्रारंभिक जांच में स्थानीय नगर परिषद के अधिकारियों और बिल्डरों की ओर से कई तरह की खामियों की बात सामने आ रही है। शुक्रवार 24 मई को शहर के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी इस आग में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 22 छात्रों की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया है कि कोचिंग क्लास के डिज़ाइन भी आग जैसी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील था। इसमें छत काफ़ी नीचे थी और कुर्सियों की जगह बैठने के लिए टायर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी ने बिल्डर के प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त खुद बिल्डिंग का दौरा तक नहीं किया था। इधर सूरत के हादसे से सबक लेते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के 27 कोचिंग सेंटरों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्वी निगम के अधिकारियों की जांच में इन संस्थानों में आग से सुरक्षा के बेहद कम इंतजाम मिले और कई के तो टैक्स भी न चुकाने का पता चला है। देश के अन्य कोचिंग संस्थानों को लेकर भी अब निगरानी की बात उठ रही है।
अब बात करते हैं डॉक्टर पायल खुदकुशी मामले की। अपनी सीनियर्स के कथित जाति उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर पायल तड़वी को इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन तेज हो रहा है। आज मंगलवार को पायल के माता पिता ने मुंबई में उस सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया जहां वह काम करती थी। इधर दिल्ली में उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर न्याय की लड़ाई में जरूरत हुई तो वह भी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अब बात CMRL यानी चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। CMRL का मैनेजमेंट हड़ताल खत्म होने के एक महीने बाद भी वहां के वर्कर्स को निशाना बना रहा है, जिससे वर्कर्स में गुस्सा है। दरअसल CMRL के स्थायी वर्कर्स ने दो दिन की हड़ताल की थी, जो मैनेजमेंट के द्वारा मांगों को पूरी करने के वादे के बाद 1 मई को खत्म कर दी गई। मैनेजमेंट ने यह वादा किया था कि किसी भी वर्कर्स को इसके चलते कोई भी कार्रवाई नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन हड़ताल के बाद 9 और वर्कर्स को मैनेजमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक स्टेशन कंट्रोलर शामिल है। 3 वर्कर्स को तोड़फोड़ के आरोप में सस्पेंड किया गया, जबकि चार्जशीट में तोड़फोड़ का कोई जिक्र नहीं है। चार्जशीट में केवल 2 दिन ड्यूटी छोड़ने का जिक्र है। 5 वर्कर्स को अभी तक उनके सस्पेंशन का कारण नहीं बताया गया है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूरोपीय संसदीय चुनाव में यूरोपियन पीपल्स पार्टी EPP सबसे बड़ा राजनीतिक समूह बनकर उभरी है। हालांकि चुनाव से पहले अतिवादी दक्षिणपंथी पार्टियों का ये मानना था कि वे बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। उन्हें थोड़ी बढ़त तो मिली, लेकिन उतनी नहीं जितनी लोगों को आशंका थी। इसी पर हमारे सहयोगी प्रशांत राधाकृष्णन ने राजनीतिक विश्लेषक डी रघुनंदन से बात की। So one of the key narratives ahead of this election was the possible rise of the far right. So like you talked about in Germany, in the UK, Italy, France, and in many of these countries, we did see them actually dominating. For instance, in I think France and Italy, they were the leaders, and in the UK too. Yeah. What sort of implication do you think this rise has on the domestic politics of these countries and on Europe as a whole? Yeah. Well, till now, the dominance of the far right has been restricted mostly to the new entrants into the European Union. Right. Whereas the EU15, the original members, were not so affected by this problem, except for France, right, with the strong showing of the Front National, which is now called the National Rally. Right. But now you've got the Brexit Party, and you've got strong showing from Italy. Of course. So these three parties in Western Europe have pushed up the numbers of the far right. The only thing is that so far, given the fact that the key driving forces behind these far right movements tend to be nationally restricted, and they share perhaps only one common thread, which is a Euroscepticism. Right. But Nigel Farage's party is the only party that actually wants to leave the EU. No other far-right party has indicated a desire to quit. Right. But they want a greater assertion of national sovereignty compared to a centralization of a European identity. Right. But I think all the far-right parties would find it very difficult to work together as a bloc, right, because I think they don't share as much ideologically as it may appear from the outside. Right. So I think that there is, while in the national contexts, there is a considerable amount to be worried about the far right, at a European level, right, in legislative terms, they may not be that much to be concerned about, right, because I think the concerns of each of the individual parties, ranging from populism to a far-right conservative agenda to extreme nationalism, I think vary so much that they would find it difficult to work together as a bloc. Right. आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए क्लिक कीजिए newsclick.in पर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।